लोकसभा के संयोजक पूर्व विधायक श्री जितेंद्र सतवाई जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री कपिल देव अग्रवाल जी, जसवंत सैनी जी, केपी मलिक जी, स्थानीय विधायक योगेश धामा जी, हमारे सभी मान्य विधायक गण, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के हमारे सभी पदाधिकारी गण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे भारत माता के महान सपूत पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के इस पावन धरा पर आने का सौभाग्य एक बार फिर से प्राप्त हुआ है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए विख्यात इस पावन धरा को नमन करते हुए चौधरी साहब के इसी चरणों में मैं विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, इस बार हमारे लिए ये चुनाव और भी महत्व का हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसानों के मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ है। चौधरी साहब को यह सम्मान प्राप्त होना न केवल कोटि कोटि अन्नदाता किसानों का सम्मान है, बल्कि हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का गौरव भी है। और इसीलिए जहां मैं इसके लिए चौधरी चरण सिंह जी को नमन करता हूं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने चौधरी साहब के उन मूल्यों और उन आदर्शों को ध्यान में रख करके देश के अन्नदाता किसानों को भारत के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाया और आज प्रभावी ढंग से उन योजनाओं का क्रियान्वयन न केवल देश के अंदर भारत सरकार के द्वारा, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये बागपत की भूमि है। अभी राष्ट्रीय लोकदल के हमारे प्रमुख जयंत चौधरी जी कह रहे थे कि चुनाव अभी थोड़ा और उत्साहपूर्ण मोड में आना चाहिए। वैसे यहां 26 अप्रैल को है, लेकिन मेरा यह मानना है कि बागपत का मतलब आज से चुनाव की गर्मी प्रारंभ हो जाएगी। ये बागपत है, इसके लिए तो महाभारत हुआ था, आप जान रहे हैं ना, भगवान हस्तिनापुर आए हैं और पांडवों का संदेशा लेकर आए हैं। आपने पंक्तियां भी सुनी होंगी जब भगवान ने हस्तिनापुर में कहा था कि देना हो तो आधा दो, लेकिन अगर इसमें भी कोई बाधा हो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। उन 5 गांवों में बागपत भी एक था। आज से 5000 वर्ष पहले और 5 गांव जिनमें बागपत एक गांव है, आज का जनपद है, प्रगतिशील जनपद है, विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा हुआ जनपद है। ये वही जनपद है 5000 वर्ष पहले जहां से महाभारत की नींव तैयार होती है। उस समय भगवान को अपनी लीला दिखानी थी और अन्यायी और अत्याचारी ताकतों को उनकी हैसियत भी दिखानी थी और उसका आधार बना था बागपत। बहनों और भाइयों, दुर्योधन वह भी दे न सका,
आशीष समाज की ले न सका, तो स्वाभाविक रूप से वह तो होना ही था। आज देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की एक बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर है, और निसंदेह पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने देश के लिए जो कुछ किया वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम लोग जो कुछ भी यहां करने में सफल हुए, यहां के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह जी जब यहां पे विकास की बात करने के लिए आए, पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना तो तुरंत वहां टपक पड़े। मैंने कहा भी अभी तो सरकार बनी ही है, इन्होंने कहा इसीलिए मैं सबसे पहले आया हूं क्योंकि दिल्ली के सबसे नजदीक रहता हूं, और दिल्ली के सबसे नजदीक रहने के बाद मुंबई देखने के बाद जब मैं अपने बागपत की तुलना करता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने पूरा जीवन महाराष्ट्र में, मुंबई में, नागपुर में, पुणे में व्यतीत तो किया लेकिन बागपत के लिए कुछ कर नहीं पाया। एक अवसर मिला है, वहां की जनता जनार्दन ने मोदी जी की कृपा से एक अवसर दिया है, मैं एक बार वहां कुछ करना चाहता हूं। और बहनों और भाइयों, जो भी प्रस्ताव यहां के सांसद और यहां के विधायकों ने मेरे सामने रखा विकास के लिए, प्रदेश से होना था तो प्रदेश से और नहीं तो केंद्र के पास भेजने में कोई देर नहीं लगाई, 24 घंटे ज्यादा समय नहीं लगाते थे। और आज उसका परिणाम है, जब मैं बागपत को देखता हूं, यहां के विकास को देखता हूं, मुझे चौधरी चरण सिंह जी के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत होता है कि कितना बड़ा महापुरुष था जिन्होंने बागपत को बागपत बना करके अपनी कर्म भूमि के रूप में सिंचित किया था। आज हमें भी उस धरती के बारे में कुछ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, आस्था के संगम को आगे बढ़ाने के लिए आज मुझे भी अच्छा लगता है जब बागपत का नौजवान उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी सेवा में स्थान प्राप्त करता है। नहीं तो यहां का नौजवान सड़कों पे दौड़ता रह जाता था और जब भर्ती की नौबत आती थी उसको छटनी करके बाहर कर दिया जाता था। हमने कहा ये नहीं हो पाएगा। मैं तो देख के बौचक था, जब मैं यहां बागपत में आया था 18 में एक ही गांव के 27 नौजवान भर्ती हुए थे, 27 नौजवान पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में। ये चीजें दिखाती है कि जब ईमानदारी से कोई कार्य करो तो उसके परिणाम भी उसी प्रभावी ढंग से हम सबको देखने को मिलेंगे। आज बागपत में इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना कार्य है, हाईवे का है, एक से एक बढ़कर के हाईवे बने, एक नहीं, दो नहीं, पांच पांच हाईवे से बागपत जनपद जुड़ा है। चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि की रमाला चीनी मिल एक नए रूप में हम सबको एक नया दर्शन कराता है विकास का। हर घर नल की योजना प्रभावी ढंग से लागू हो रही है, गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान, और वहां भी हम लोगों ने तय किया है धीरे धीरे करके लगाम कसने की कार्रवाई जिस स्तर पर हो रही है। बहनों और भाइयों, अब 5 साल और 10 साल इंतजार नहीं करना है, उसी वर्ष, और अब तो 120 में से 105 चीनी मिलों को वहां तक पहुंचा दिए हैं, जो 10 दिन नहीं मात्र 1 सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रहे हैं, बाकी 15 चीनी मिलों की पेच कसे जा रहे हैं। क्या हाल में इसको 10 दिन के अंदर लेकर के चलिए। बहनों भाइयों, बिना विकास के हम वर्तमान को और भावी पीढ़ी को उज्जवल भविष्य नहीं दे सकते, और इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय लोक दल का नल हो और भारतीय जनता पार्टी का कमल हो। मोदी जी ने 10 वर्ष में देश की कायाकल्प कर दी, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है, भारत का दुनिया में सम्मान बढ़ा है। आज दुनिया के अंदर कोई भारतीय जाता है, मोदी जी जाते हैं, मोदी जी का तो सम्मान होता ही है, लेकिन कोई भी भारतीय दुनिया के अंदर जाएगा बड़े सम्मान के साथ लोग उसके प्रति कहते हैं क्या आप भारत से आए हैं। अब भारतीयों के प्रति लोगों के मन में सम्मान का भाव बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं,
नक्सलवाद समाप्त हुआ है, देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, अराजकता समाप्त हुई है, गुंडागर्दी समाप्त हुई है, बहन और बेटी सुरक्षित हुई है, व्यापारी सुरक्षित हुआ है और व्यापार तेजी के साथ आगे बढ़ा है, निवेश का एक नया माहौल बना है और निवेश के इस माहौल को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और लोकदल ने मिलकर के एक योग्य प्रत्याशी आपके बीच में दिया है डॉक्टर राजकुमार सांगवान के रूप में। बहनों और भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा जयंत चौधरी जी को, उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता को, बहनों भाइयों एक सामान्य कार्यकर्ता को, एक सामान्य व्यक्ति को, क्योंकि जब निवेश जब उनके पास एनओसी की बात आई थी तो उनके पास एनओसी के लिए तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनके पास पहले से कुछ था ही नहीं। उन्होंने कहा साहब मैं तो ऊपर से नीचे एनओसी ही हूं, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो ऊपर से नीचे तक है, और उन्होंने पूरा जीवन उन मूल्यों के लिए जिया था जिन मूल्यों के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने अपना जीवन जिया था। और बहनों और भाइयों, आज उसी के लिए मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं। पूरे देश के अंदर जो आवाज बनी हुई है, कोई सोचता था कि ये कार्य होंगे? कोई सोचता था? कोई नहीं सोचता था, लेकिन आज जो कार्य हुआ है, और इसीलिए मैं बागपत वासियों से कहूंगा चुनाव की गर्मी पैदा कर दीजिए एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और तय कर दीजिए फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, और मोदी सरकार के लिए डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को बागपत से भारी बहुमत से जीतने की आवश्यकता है। सहमत हैं सभी लोग? सहमत हैं? चुनाव जिता करके भेजेंगे, घर घर जाएंगे, चुनाव के दौरान ये उम्मीद करना कि प्रत्याशी घर घर जाए कठिन होगा, गांव गांव जाए ये भी कठिन होगा, क्योंकि 5 बड़ी बड़ी विधानसभाएं हैं और यह विधायक 3 जनपदों में फैला हुआ है, मेरठ भी है, हापुड़ भी है और बागपत भी है, तो 3 जनपदों में फैला हुआ लोकसभा है, तो इसलिए प्रत्याशी घर घर नहीं जा पाएगा, आपको ही कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर के और राजकुमार सांगवान बनकर के घर घर जाना होगा। सहमत हैं सभी लोग? सहमत हैं? जाएंगे भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के कार्यकर्ता परस्पर समन्वय बना करके एक एक बूथ पर मोदी जी को जिताने के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी लोग सहमत हैं? तो आपसे यही अपील करूंगा कि बहनों और भाइयों, विकास की जो गंगा बह रही है यमुना मैया के साथ साथ, गंगा मैया भी विकास के रूप में आपके यहां वह थमने नहीं पाएगी, और विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और जिस प्रक्रिया को मोदी जी ने, केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार ने आगे बढ़ाया है, जिसे स्थानीय स्तर पर सांसद जी ने, विधायकों ने आगे बढ़ाया है, उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए आया हूं। और आप सबसे मेरी अपील होगी डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को नल पे भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हम सब प्राणपण से जुटे। 26 अप्रैल को जब चुनाव होंगे तो सबसे पहला काम पहले मतदान के लिए आप जाएंगे ना? सभी लोग सहमत हैं? चुनाव चिन्ह क्या है? नल। और 26 अप्रैल तक गर्मी चढ़ चुकी होगी, तब तक नल की आवश्यकता और महसूस हो रही होगी। इसलिए बहनों और भाइयों, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए आप सब जुटेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर के राजकुमार सांगवान बनकर के घर घर गांव गांव जाएंगे,
और उन्हें विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके इस अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।